नमस्कार। दिव्यांगों में एक नई श्रेणी जोड़ी गई है, लेप्रोसी क्योर्ड, या जिन्हें कुष्ठ रोग होता है जो सही होते हैं। क्या हिंदुस्तान में ऐसा कोई हुआ? बिल्कुल हुआ। कृष्ण का बेटा शाम्भ, कथा ये कहती है कि जाम्बवती को एक संतान की आवश्यकता थी, तो कृष्ण ने महादेव की पूजा की। महादेव अर्धनारीश्वर के रूप में आए सामने और कहा कि बिल्कुल तुम्हारे जैसा एक सुंदर पुत्र होगा जाम्बवती को। तो जाम्बवती को एक पुत्र हुआ शाम्भ, कृष्ण के जैसा देखने में, हूबहू हरकतें वैसी, अदाएं वैसी, लंबे केश उसके बड़े सुंदर। तो शाम्भ बड़ा हुआ, सारी लीलाएं सीखा, लेकिन अहंकार था रूप का। और कथा कहती है कि जैसे जैसे वो बड़ा हुआ, वैसे वैसे अपने सौंदर्य का दुरुपयोग करता था। यहाँ तक कि योगेश्वर कृष्ण के कुछ रानियों के साथ भी कुछ अभद्र व्यवहार किया उसने। और एक बार श्री कृष्ण से मिलने के लिए कुछ ऋषि आए हुए थे, वशिष्ठ, दुर्वासा, नारद, ऐसे कुछ ऋषि आए हुए थे, तो एक जगह ठहरे हुए थे। तो शाम्भ और साथ में कुछ और लोग, उन लोगों ने सोचा कि चलो ऋषियों के साथ थोड़ी तफरी या मौज मस्ती करते हैं। तो शाम्भ को एक साड़ी पहना दी गई और उसके पेट के अंदर एक मटका रखा गया, उसके अंदर एक लोहा डाल दिया गया ताकि वजन बना रहे और साड़ी में अटका रहे वो। और दुर्वासा मुनि के पास और बाकी ऋषि बैठे हुए थे उनके पास जाकर ही पूछा गया कि ऋषिवर, ये बता सकते हैं आपकी कन्या के गर्भ में पुत्र है या पुत्री? तो ऋषियों ने पहले तो आता जाता किया, लेकिन दुर्वासा, जैसे हम जानते हैं कि बड़े क्रोधी ऋषि हैं, उन्होंने कहा कि जा, मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम्हारे पेट के अंदर जो भी है वो तुम्हारे कुल का नाश करेगा। याद होगा आपको कि कुरुवंश के नाश का श्राप माता गांधारी ने श्री कृष्ण को दिया था। माँ नाराज हो गई थी, 100 पुत्रों की माँ, 18 दिनों के बाद बिल्कुल कोई भी पुत्र ना बचा था, तो श्राप दिया था। और श्री कृष्ण तो श्री कृष्ण हाथ जुड़ा था और हंसते हुए वो श्राप ले लिया था। खूब जानते थे कि शाम्भ महादेव के वरदान से हुआ है और नाश करेगा। तो जो पेट में लोहा रखा हुआ था उन लोगों ने वो कृष्ण के पास लेके गए और कहा कि दुर्वासा ने ऐसा श्राप दिया है। तो कृष्ण ने भीम को वो दिया, बोला कि ये टुकड़ा घिस दो जाओ भाई, और घिसा गया उस टुकड़े को, और घिसते 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 समंदर में वो गुजरात के उस द्वारका के किनारे वो मिलता चला गया समुंदर में, वो लोहा और लोहा का घिसा हुआ अंश थोड़ा सा बाकी था। उस थोड़े से बाकी को भीम देखता है आगे पीछे और बोलता है इससे क्या हो जाएगा, और फेंक देता है समुंदर के अंदर, जिसे कि एक मछली निकल जाती है और उस मछली को एक मछुआरा पकड़ता है, काटता पीटता है उसको, और उस लोहे के टुकड़े को अपने तीर के अग्रभाग में लगाता है और उसको फल बनाता है, उसका शिकार के लिए जाता है। देखता है कि किसी एक हिरण का कान शायद हिल रहा है पेड़ों के बीच, गुलाबी, भेद देता है उसे। कृष्ण सोए हुए थे, अपना पैर हिला रहे थे, और उससे उनकी मृत्यु होती है। और इस लोहे के घिसाई से जो समंदर में कोई चीज़ जाता तो नहीं, आप जो फेंकते हैं वो वापस आ जाता है, तो समंदर के किनारे जो ये लोहा का घिसा हुआ अंश लगा था उससे जितने भी पेड़ पौधे वहाँ के बने बड़े कटीले हुए। और एक दफ़े यदुओं ने सात्यकी और कुछ लोगों ने शैखी बघारनी शुरू की कि कौन ज़्यादा बहादुर, कौन ज़्यादा वीर, और किसने क्या क्या कर्तव्य दिखाए। महाभारत के युद्ध में झगड़ा हो गया, सारे शस्त्र तो छुपा रखे थे क्योंकि ये मारपीट कर जाएंगे आप अपने आप के बीच। तो समुंदर के किनारे नशे में धुत उन्हीं पत्तों से पीट पीट कर एक दूसरे को मार डाला था यादवों ने। तो शाम्भ की इस हरकत से यादवों का नाश हुआ था। ये तो एक किस्सा हुआ शाम्भ का। लेकिन शाम्भ चूंकि भगवान कृष्ण के कुछ रानियों के साथ अभद्र व्यवहार कर गया था और ऋषि नारद ने ये बात बता दी थी कृष्ण को, तो कृष्ण ने अभिशाप दिया था कि जिस
शरीर के गर्भ और दर्प से तुम ये उपद्रव करते हो, तुम और तुम्हारा ये शरीर इसी में नाश हो जाए और तुम्हें कुष्ठ हो जाए। और इस कुष्ठ रोग से शाम्ब पीड़ित हो गया था और इस अभिशाप से पीड़ित शाम्ब उपाय खोजने लगा। तो बताया गया कि जाओ सूर्य की, शाम्ब को ये उपाय बताया गया कि जाओ मित्र बन चंद्रभागा समंदर का जो हिस्सा उड़ीसा में है, उस जगह सूर्य की आराधना करो और उस सूर्य की आराधना से तुम्हें ये फल मिलेगा कि तुम्हारा कुष्ठ सही हो जाएगा। और 12 साल की आराधना के बाद शाम्ब का कुष्ठ सही हो गया था, या लेप्रसी क्योर्ड हुआ शाम्ब। तो 12 साल की तपस्या के बाद शाम्ब सही हुआ था। आज भी कोणार्क का मंदिर वही है और रविवार के दिन आमिष या नॉनवेज कोणार्क के लोग आज भी नहीं खाते। शाम्ब दशमी मनाई जाती है और सूर्य आज भी ईस्ट हैं कोणार्क के। तो ये थी लेप्रसी क्योर्ड शाम्ब की कहानी। बहुत धन्यवाद।